हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में सेकेंड स्टेज देख रहे थे, और उस सेकेंड स्टेज में सिर्फ नॉर्मल रूप से एक प्रश्न किया गया था, और उसका मेन रीजन था एक प्रश्न होने का कि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम होने के कारण उसको वहीं पर क्या किया गया था, रोक दिया गया था। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसी का आगे। ओके, चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पर चलेंगे और उस पर देखेंगे किस किस प्रकार का प्रश्न होता है। ओके, चलिए। लेकिन विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसी प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर आपसे जॉब जो वैकेंसियाँ होंगी उसी में ऐसे प्रश्न आएंगे। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सब, आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर ये ध्यान देना है कि निर्देश जो है, निर्देश जो मैंने लिखा था पिछली क्लास में, निर्देश वही फॉलो होगा, प्रत्येक प्रश्नों में फॉलो होगा। कब? जब दो स्टेज सेकंड स्टेज चलता रहेगा तब तक ये फॉलो होगा निर्देश। ओके, चलिए हम लोग निरंतर उसी का आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए उस प्रश्न पर देखते हैं जो प्रश्न उसके आगे आने वाले हैं। ओके, चलिए यहाँ पर गौर करिएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी पंक्ति व स्तंभों के बारे में बताए जाएंगे जो आपको नॉर्मल रूप से समझना है। क्या? नॉर्मल रूप से समझना है। और हमारा जो सेकंड स्टेज था वो क्या था दोस्तों? संख्या। क्या? संख्या, सारणी संबंधी प्रश्न। ओके, यही था। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये जो पॉइंट है, इसके अंतर्गत बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अभी मैं उस तथ्य पर डिस्कस करूँगा, मैं ऐसे तथ्य पर डिस्कस करूँगा जो प्रत्येक एग्ज़ामों में, जैसे सिविल जो परीक्षाएं हैं, सिविल परीक्षाएं जो प्री पेपर होता है, तो उसमें जो सेकेंड पेपर है उसमें जो रीजनिंग है, रीजनिंग में इनपुट व आउटपुट से संबंधित अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनपुट व आउटपुट मैं आपको बहुत विधिवत तरीके से पढ़ाऊंगा। ओके, और यदि इनपुट और आउटपुट यदि आपको आ गया दोस्तों, तो आपको रीजनिंग में प्रत्येक तथ्यों को समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं निरंतर। ओके, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग चार्ट बनाते हैं, चार्ट के थ्रू ही हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम लोग स्तंभ लिखेंगे, स्तंभ। ओके, इस स्तंभ में देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ पर अभी कुछ सुविधाएं क्या हैं, चल नहीं, उपस्थित नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है, यहाँ पर अभी फैन क्या हो रहा है, नहीं चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो तथ्य हैं, और इस पर हम लोग इस प्रकार दर्शाए थे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। यही था पॉइंट, इसी प्रकार का पॉइंट था। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो चार्ट बनते हैं दोस्तों, ये आपको चार्ट दिए रहेंगे, जब परीक्षा होगी तो ऐसे आपको दिया रहेगा, उसमें दिया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बहुत विधिवत तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। क्या? उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग आकृतियों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसका एक और पॉइंट है, एक और स्टेज है जिस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहां पर आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है। क्या? उसको आप थोड़ा सुनिए कि
उस तथ्य को मैं बताने जा रहा हूँ जिस तथ्य को लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनपुट व आउटपुट की जो विशेषताएं हैं, वहाँ यहाँ पर मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा, वो लाइव क्लासे में बताऊँगा। इसलिए इनपुट व आउटपुट बहुत ही अच्छी टॉपिक है और बहुत ही सरल व बहुत ही कठिन भी है, तो उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊँगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। लेकिन मैं कोई टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन बहुत आराम से और बहुत नॉर्मल तरीके से मैं इसको समझाऊंगा, ओके। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5, ओके, इतना है। यहाँ है 24, क्या 24, 37, क्या 24, 37, 49, 17 and 9, ओके। और उसके बाद है 48, क्या 48, 73, 99, क्या 99, 33, 17, ओके, 70, 109, 143, 49, 25, तो यहाँ पर ये है 95, क्या 95, 145, फिर उसके बाद है 197, क्या 197, 6533, 6533, ओके, 109, 181, 204, क्या 204, 81, 41, ओके। तो ये है, आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में जो है पॉइंट, उस तथ्य के अकॉर्डिंग ही हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं उस ऑप्शन को मैं यहाँ रखता हूँ। पहला ऑप्शन है मेरा पंक्ति, क्या, या पंक्तियाँ, पंक्तियाँ 1 2 and 3 है, ओके, 1 2 and 3 है। और सेकंड पॉइंट है पंक्तियाँ, पंक्तियाँ 2 4 and 5 है, ओके, 2 and 4 5 है। फिर उसके बाद है दोस्तों, थर्ड नंबर है पंक्तियाँ, क्या, पंक्तियाँ 1 4 and 5, ओके। और फोर्थ नंबर है दोस्तों पंक्तियाँ 2 3 and 4 है। और इसको आप समझिए, और इसमें जो रूल लगा है बहुत ही सरल है दोस्तों, क्या है, बहुत ही सरल है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ ये जो ऐसा तथ्य है ये बहुत ही यूनिक है, क्या, बहुत यूनिक तरीके से मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको, आप निश्चिंत रहिए, ओके। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जो तथ्य है दोस्तों, यहाँ पर जो तथ्य है, मुझे तो यहाँ पर मैंने जो ये प्रश्न बनाया और इस प्रश्न के थ्रू मैंने जो ऑप्शन रखा, ये ऑप्शन तो मुझे मालूम है, और मैंने जो प्रश्न बनाया ये तो मैंने अपने थ्रू बनाया, और जो ऑप्शन बनाया वो भी मैंने अपने ही थ्रू बनाया, लेकिन यहाँ पर मुझे मालूम है कौन सा ऑप्शन राइट है, ओके। तो मैं उस ऑप्शन को पकड़ता हूँ जो ऑप्शन सही है, क्या, जो ऑप्शन सही है मैं उसको पकड़ता हूँ, जिससे कि जल्द से जल्द उस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम हो जाए। लेकिन उत्तर तो मुझे मालूम है सेकंड है, लेकिन ये कैसे मालूम है कि ये जो नियम लगेगा, क्या तीनों ऑप्शनों में, इसको छोड़कर तीनों ऑप्शनों में क्या लगने की संभावना है, क्या लग सकता है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों मैंने ऑप्शन कौन सा बताया, सेकेंड ऑप्शन मैंने बताया, तो सेकेंड ऑप्शन में पंक्ति मेरा कौन सा बोला, पंक्ति मेरा सेकेंड बोला, तो मैं पहले कौन सा पंक्ति लूंगा, सेकेंड पंक्ति ही लूंगा, तो मैं यहाँ सेकेंड ही पंक्ति लेने जा रहा हूँ। देखिए
फोर सॉरी टू है, टू वाला क्या है 3 7 ओके 7 3 0 9 1 0 9 1 4 5 1 8 1 इतना हो गया। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये 5 बिंदु है जो हमारा क्या पंक्ति में दिया गया है, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा अब देखिए ये क्या किया गया है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति है ये मेरा पंक्ति है दूसरा वाला पंक्ति, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ यानी कि इस पंक्ति में क्या जोड़ा क्या घटाया क्या गुणा क्या भाग किया गया जो मेरा 73 आ गया, तो इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें इंटू 2 किया गया है, क्या इंटू 2 किया गया और माइनस 1 किया गया है, क्या इंटू 2 किया गया और माइनस क्या किया गया 1 किया गया है। देखिए 2 7 14 4 1 2 3 6 1 7 74 आया लेकिन माइनस क्या है 1 है, तो कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। समझ में आई बात दोस्तों कि इसमें क्या सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों, इसी के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, क्या इसी के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये इसी के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें मैं इंटू 3 करूँगा माइनस 2 करूँगा। देखिए 3 7 21 1 2 3 3 9 9 2 कितना होगा 11 माइनस कितना है माइनस 2 कितना हो जाएगा 109 आ जाएगा, राइट 109 आया। इतनी बात क्लियर दोस्तों, चलिए बहुत सही। इसके आगे क्या होगा प्रोसेस इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या किया गया है, इसमें भी प्रोसेस 1 इसमें प्लस करना है यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 क्या करना है माइनस कर देना है, ओके। तो यहाँ पर ये होगा दोस्तों कि 4 7 28 या 7 4 28 को 8 मेरा प्राप्त होगा, 8 को 8 हासिल 2 4 3 12 12 2 कितना होगा 14 माइनस कितना करना है 3 यदि 3 घटा देंगे तो 145 मिल जाएगा, राइट वेरी गुड। अब उसी के आगे ये भी प्रोसेस होगा, देखते रहिए। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत नॉर्मल तरीके से हम लोग कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो तथ्य है देखिए इसमें क्या किया गया होगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया होगा और माइनस 4 क्या किया होगा घटाया होगा, जाहिर सी बात है क्यों, क्लियर ना। चलिए आगे देखते हैं फिर उसके आगे। अब इसमें क्या है कि इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 7 35 5 हासिल 3, इतनी बात क्लियर। 5 3 15 15 3 कितना होगा 18 लेकिन माइनस कितना करना है 4 घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 8 में से कुछ नहीं गया 8 1 181 मेरा प्राप्त हुआ। 181 जो प्राप्त हुआ दोस्तों तो यहाँ पर मेरा कितना प्राप्त होगा दोस्तों 181 मेरा प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ पर ये नियम कह रहा है कि पहले पोजीशन पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया फिर माइनस 1 किया, दूसरी पोजीशन पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस किया, तीसरी पोजीशन पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया कि कितने से हुआ है सॉरी 4 से मल्टीप्लाई हुआ है 3 माइनस किया हूँ, और चौथी पोजीशन पर 5 से मल्टीप्लाई किया हूँ और 4 माइनस किया हूँ, यानी कि पहली पंक्ति 2 में यानी कि सेकेंड में मैंने ये पोजीशन ये रूल लगाया, और थर्ड फोर्थ में क्या लगेगा उसको भी देखते हैं। देखिए फोर्थ कौन सा है अंक मेरा है 4 में है मेरा 17 33 49 65 81 यही है 17 33 49 65 81 यही है, तो इसमें जो रूल लगा है वही रूल इसमें भी लगेगा दोस्तों, क्या इसमें जो रूल लगा है वही रूल उसमें भी लगेगा, जाहिर सी बात है। चलिए अब उसको हम देखते हैं, तो इस पोजीशन पर मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया
तो वन माइनस किया था। देखिए 17 दुना कितना होगा दोस्तों, 34 होगा। 34 माइनस वन करेंगे कितना आएगा, 33 आएगा। क्या 33 आएगा। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये 33 आया मेरा, जो मेरा 33 आया यहाँ पर, वो मेरा सेकेंड पोजीशन है। अब सेकेंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन पर चलेंगे तो वो हमको सेकेंड से थर्ड पर नहीं जाना है, फर्स्ट से ही थर्ड पर जाना है। तो यहाँ पर इससे क्या करेंगे, इस पोजीशन पर क्या करेंगे, दो से किए थे तो किससे करेंगे, तीन से करेंगे। यहाँ माइनस वन किए तो कितना माइनस करेंगे, टू माइनस करेंगे। इतनी बात क्लियर, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, देखिए 3 × 21 के एक हासिल कितना, दो, तीन एक नाम तीन, तीन दो पाँच, लेकिन माइनस कितना है, माइनस दो। 11 में से दो गए ना, और चार यहाँ बचा, किसलिए 5 था एक, इसको उधार दे दिया तो 4 बचा, 49 मेरा प्राप्त हुआ। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये नियम है, ये मैं अपने द्वारा बनाया हूँ, बहुत ही यूनिक और बहुत सरल तरीके से मैं इसको बता रहा हूँ। अब उसके आगे देखिएगा, ये पोजीशन हो गया, यानी कि ये सेकेंड में भी फॉलो हो गया, थर्ड में देखते हैं इसमें क्या किया गया है। ये 3 था, किससे करना पड़ेगा, 4 से, फिर माइनस किससे करना पड़ेगा, 3 से। 17 चौको कितना होगा, 68, 17 चौको 68, 68 में 3 घटेगा कितना आएगा दोस्तों, 65 ही तो आएगा। 17 चौको 68, 68 में 3 जाए कितना आएगा, 65 ही आएगा। क्यों, 65 आ गया यहाँ। उसी प्रकार मेरा यहाँ पर जो पोजीशन है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर माइनस 4 करूँगा। 17 × 5 कितना होता है, 17 × 5 = 85। क्या 17 × 5 = 85, और 4 माइनस करूँगा कितना आएगा, 81 मेरा आएगा, 17 × 5 = 85। तो यहाँ पर मेरा 81 प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार 5 पंक्ति में, जो 5 नंबर पंक्ति है, उसमें भी यही नियम फॉलो होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर 5 पोजीशन पर क्या है, ये अंक हैं, इसको हम लोग लिखते हैं और यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो पंक्ति है 5 नंबर पंक्ति, वो उसका मान दिया है 9, 17, 25, 33, 41। ये पंक्ति में ये अंक दिए हैं, 5 अंक दिए हैं, और इन 5 अंकों के जरिए ही हमको उन अंकों का व उन रूलों का यूज करेंगे जो अभी इन दो पंक्तियों में यूज किया था मैंने। ओके, समझ में आ रहा है ना, कि जो मैं बोला हूँ वो क्लियर हो रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो पंक्ति है 5 नंबर पंक्ति है, इसमें जो रूल लगाया गया है दोस्तों, सेम नंबर उसी में लगेगा जैसा कि इन पंक्तियों में लगा है। क्या जैसा कि इन पंक्तियों में लगा है, सेम पोजीशन लगेगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो पंक्ति है, ये 5 नंबर जो पंक्ति है, इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रत्येक अंकों में, जैसे कि मैं सेकेंड लेता हूँ, क्या सेकेंड पोजीशन लेता हूँ, उसमें सभी अंक क्या है, विषम है। क्या सभी अंक क्या है, विषम है दोस्तों सेकेंड पंक्ति में, और फोर्थ पंक्ति में, सभी विषम हैं, और इसमें भी क्या है, विषम है। ये मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि ये उन पंक्तियों पर रूल फॉलो हो रहा है जिन पंक्तियों में विषम संख्याएं उपस्थित है। इसमें भी विषम, और इसमें भी विषम, और इसमें भी विषम है। तो अर्थात यहाँ मेरे कहने का अर्थ ये है कि इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस 1 करूँगा, तो 9 × 2 = 18, 18 में से एक गए कितने होंगे दोस्तों, 17 मेरा प्राप्त होगा। क्यों, क्लियर हो रहा है ना, 9 × 2 = 18, एक गया कितना होगा, 17 प्राप्त होगा। सेम पोजीशन ये भी फॉलो होगा इसमें, सेम पोजीशन इसमें यही फॉलो होगा जो अभी मैंने किया। तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और -2 करना पड़ेगा। 9 × 3 = 27, 27 में से दो गए कितना आएगा, 25 आ गया। क्लियर हुआ, फिर सेम नियम यही लगेगा,
इसमें भी फोर्स, इसमें क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई और थ्री क्या होगा माइनस होगा, फोर्स मल्टीप्लाई और थ्री से क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो आप ये जानते हैं कि जब हम लोग फोर्स क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो नौ चौको कितना होता है छत्तीस, छत्तीस में से तीन गया कितना आएगा दोस्तों 33 मेरा प्राप्त हो गया। इतनी बात क्लियर। और वही नियम इसमें भी लगेगा, ये देखिए इसमें भी फोर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया बल्कि फाइव से, क्योंकि एक अंकों को क्या निरंतर बढ़ा रहा है तो इसमें माइनस चार किया जाएगा। तो नौ पच पैंतालीस, पैंतालीस में से चार गए कितना आएगा दोस्तों 41 मेरा यहां पर आ जाएगा। और जब यहां 41 आ गया तो दोस्तों मेरा रूल यहां पर क्या होगा फॉलो हो जाएगा, क्यों ये रूल मेरा फॉलो किया। और आप ये देख सकते हैं कि बचे जो पंक्ति हैं, जैसा कि मैं सेकंड पंक्ति को सॉल्व किया, फोर्थ पंक्ति को सॉल्व किया और फिफ्थ पंक्ति को सॉल्व किया, और फर्स्ट पोजीशन पर यदि देखा जाए तो इसमें मैं दो से मल्टीप्लाई किया था तो 24 दुना कितना होता है दोस्तों 48, और एक क्या किया था माइनस किया था तो यहाँ कितना हो गया मेरा यहाँ 47 होने के स्थान पर 48 दिया है। और सेकंड में सेम पोजीशन तो हम लोग देख ही लिए, थर्ड में देखते हैं। इसमें यदि दो से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 2 9 18, 2 4 8 1 9, तो यहाँ 98 आ जाएगा, और 98 में यदि मैं एक घटाऊंगा तो कितना आएगा 97, तो यहाँ कितना दिया है 99 दिया है। तो ये दो क्या हो गए मेरे रॉन्ग हो गए, ये दो रॉन्ग हो गए तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, सेकंड मेरा ऑप्शन क्या हो गया सत्य हो गया। ये क्लियर हुआ कि नहीं। मैं अभी कुछ अलग प्रश्न लेकर के आऊँगा इसी दूसरे ही स्टेज वाली तथ्यों पर, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो पाई चार्ट के माध्यम से जो पंक्ति व स्तंभ का मिश्रण किया है, पंक्ति व स्तंभ का मिश्रण किया है, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि पंक्तियों में हमको पोजीशन पकड़ना है कि जो पंक्ति दिया है उसी के सामने अर्थात लेटी हुई रेखा क्या रहेगी मेरी पंक्ति रहेगी, और खड़ी हुई रेखा क्या रहेगी स्तंभ रहेगी। जैसा कि हम लोग देखें 2018 का जो पीसीएस का पेपर था वो जो है उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें पंक्ति नहीं दिया था बल्कि वहाँ पर स्तंभों की डिस्कस की गई थी, विशेषता दी गई थी कि आप स्तंभ का अंक लीजिए फिर उसके बाद आप बताइए कौन सा स्तंभ सही है और कौन सा स्तंभ क्या है गलत है, ये विशेषता थी उस प्रश्न में। तो आपको मैंने ये रूल बता दिया पंक्ति में, जिस प्रकार आप पंक्ति में लगाए हैं उसी प्रकार स्तंभ में भी लगेगा, लेकिन वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि स्तंभ बोला है कि पंक्ति बोला है, ये आपको समझना है। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर इसको मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, और आने वाले क्लास पर इसी पर एक दो प्रश्न और मैं डिस्कस करूंगा, फिर तीसरे स्टेज पर चलूंगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा ये समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे किस पर, सेट पर लगाएंगे कुछ प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इतनी बात क्लियर हुआ दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कोविड-19 अधिक से अधिक अपना मोड़ लिया है, कभी ज़्यादा कभी कम हो रहा है निरंतर। तो आप प्लीज़ अपने घर में रहिए, सेफ्टी रहिए, और यदि बाहर जाएं तो सुरक्षित सुरक्षा के साथ जाएं, यदि घर से बाहर जाएं तो सुरक्षा के साथ जाएं, और वहां से आएँ हाथ से साबुन से, यानी कि हाथ को साबुन से धुलिए, धुलने के बाद उसको क्या करिए सैनिटाइज करिए। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा ये नहीं होती कि मैं हाथ अपना धुल लूँ अर्थात क्या करूँ वॉश कर लूँ अपना हाथ, तो यहाँ पर ये है कि यदि आप हाथ धुलना नहीं चाहते हैं तो आप सैनिटाइज करते रहिए दोस्तों, ये आपकी सेफ्टी है। भारत सरकार आपको क्या कर रहा है नियम का पालन करने की एक सूची जारी की है, आप उसको पढ़िए और उस नियम को क्या करिए पालन कीजिए, किसी आप कोऑपरेट करेंगे तभी आपका भारत और भारत में रहने वाले वासियों जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी सुरक्षित रहेंगे, सबसे बड़ी विशेषता।
तो यदि मेरी क्लासें पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।